अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहें कि वो ज्वाइन करें क्लास को। सबको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल मैं ठीक। आप सब कैसे हैं? और सबको आवाज़ आ रही है मेरी? और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको कहें कि वो भी ज्वाइन करें साथ साथ। और सब स्टूडेंट्स ने कॉपी प्रिपेयर कर ली है अपनी? ओके, जो जो स्टूडेंट्स बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनको कहें कि वो भी ज्वाइन करें ताकि जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करें। जस्ट 5 मिनट वेट कर लें। कैसी रही आप स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन? ओके स्टूडेंट्स, आपको मैंने एक असाइनमेंट दी थी। इसके अलावा जो एक असाइनमेंट मैंने आपको और देनी है, ठीक है? वो मैं जो असाइनमेंट होगी वो मैं आपको ग्रुप में जो है वो मैसेज कर दूंगी, और उसके अलावा जो डिटेल होगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आपने वो असाइनमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी होगी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। नेक्स्ट हमने जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है, हम फाइलम इकाइनोडर्म पढ़ रहे थे, और उसमें हम जो है वो वाटर वस्कुलर सिस्टम वो डिस्कस करना है। और वाटर वस्कुलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, ये जस्ट इकाइनोडर्म्स हैं उनमें मौजूद होता है। इसके अलावा बच्चे, ये जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक है, जब आपकी क्लास एंड होगी तो क्लास के एंड पे मैं बताऊंगी कि किस स्टूडेंट ने जो है वो, जिनका नाम कॉल करूंगी वो चेक करवाएंगे। और बाकी आप लोगों को जो असाइनमेंट मैंने असाइन करने हैं वो मैं आपको जो आपकी क्लास का ग्रुप है उसमें बताऊँगी कि कौन सा टॉपिक है। जैसे आपने पहली असाइनमेंट एक पेज की सबमिट करवाई है, आपने सेम वैसे ही जो सेकेंड असाइनमेंट होगी वो आपने सबमिट करवानी होगी, ठीक है? नेक्स्ट बाकी जो प्रेजेंटेशन का होगा वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। और इसमें हम वाटर वस्कुलर सिस्टम के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि वाटर वस्कुलर सिस्टम, जब हम मूवमेंट की बात करते हैं कि जो इकाइनोडर्म्स मूव करते हैं वो किस तरह से करते हैं, इसके अलावा उनके स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको कि हम एंडोस्केलेटन भी कहते हैं, उसमें जो है वो क्या क्या मौजूद होते हैं। हमने मूवमेंट के हवाले से बात की थी कल की क्लास में कि जो ट्यूब फिट है उससे ये मूव करते हैं। जो ट्यूब फिट जो स्ट्रक्चर है वो वाटर वस्कुलर सिस्टम में ही मौजूद होता है। बच्चे वो मैं आपको एंड में बता दूंगी, कॉपी भी आपकी एंड पे चेक करूंगी और असाइनमेंट के बारे में भी मैं आपको एंड में बता दूंगी। ओके, इसमें ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें ये मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है? जो इसमें ये हमारे पास ये जो किनाल सिस्टम नज़र आ रहा है, ये जो आपको सेंटर लाइन नज़र आ रही है एक, ठीक है? इसको हम रेडियल केनाल कहते हैं। और रेडियल केनाल के अलावा मैंने आपको इसमें ये बताया था कि इसमें ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्यूब फीट कहते हैं,
ठीक है। और ये जो एम्प्यूला वो स्ट्रक्चर होता है जो कि लॉलीपॉप की तरह, वो जो ऊपर बॉल सी बनी हुई होती है, सेम उसी तरह पे ये जो लॉलीपॉप की जो बॉल होती है उसको हम एम्प्यूला कहते हैं। और जो नीचे लाइन स्ट्रक्चर होता है, वो जो टेल होती है, वो जो स्ट्रैंड होता है जिससे हम उसको पकड़ रहे होते हैं, सेम वो हमारे पास जो है वो ट्यूब फिट है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो रेडियल नर्व्स हैं वो हमारे पास सेम जो है वो नर्वस सिस्टम के लिए हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास ये जो ओवरऑल ये जो रिंग है जिसको कि हम रेडियल रिंग भी कहते हैं, और यही जो रिंग है ये मेन पार्ट है जिसको हम सेंट्रल डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेडियल कैनाल है, ये जो एक सर्कल सा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और इसका बेसिकली यही फंक्शन होता है कि ये जो वाटर है उसको कैसे एंटर किया जाए बॉडी में और किस तरह से लीव किया जाए, ठीक है। इसमें ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास जो है वो एनस है सेंट्रल डिस्क में, ठीक है। यहाँ से जो है वो बॉडी में वाटर एंटर होगा, और ये जो एनस है यहाँ से जो है वो डाइजेस्टेड मटीरियल, अनडाइजेस्टेड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, वो बाहर रिमूव हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं हर आर्म में। और इसके साथ साथ ये जो हमारे पास गोनेड्स हैं जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास सेंट्रल डिस्क का मैंने आपको बता दिया। ये जो स्पाइनी जो शेप होती है ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, और गिल्स का जो बेसिकली फंक्शन होता है वो जो है वो रेस्पिरेशन करवाना होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती हैं उसके एक्सचेंज करवाना होता है। उसके अलावा सी वाटर में हम कहते हैं कि सर्कुलेट्स जो वाटर करता है थ्रू हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन वो होता है कि ऐसा स्केलेटन जिसमें कि वाटर की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन या फ्लूइड पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ये मोस्टली जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है ये इकाइनोडर्म्स में मौजूद होता है। इसके अलावा हम बाकी जितने भी फाइला है उसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं होता। एक हमारे पास पोरीफेरा है जिसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम मौजूद है, और एक हमारे पास इकाइनोडर्म्स है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी फाइलम हैं, किसी भी फाइलम में हमारे पास जो है वो वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं होता। इसमें ये आपको थोड़ा क्लियरली नज़र भी आ जाएगा, ये वाटर वास्कुलर सिस्टम है सी स्टार में, ठीक है। जो सी स्टार है वो हमारे पास फाइलम इकाइनोडर्म्स का ही मेंबर है। वो जो स्ट्रक्चर था वो सेम यहाँ पे भी ये आपको दिखाया गया, ठीक है। ये जो हमारे पास ये जो एक सर्कल की तरह का, एक रिंग की तरह का जो नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम जो है वो रेडियल कैनाल भी कहते हैं, ठीक है, रिंग कैनाल। और इसी रिंग कैनाल से ये जो कैनाल जो है वो डिफरेंट फाइव आर्म्स में जो ये कैनाल आपको नज़र आ रही है, और इसके सेंटर ये जो हेड और टेल लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, ठीक है, ये इसी कैनाल के अराउंड मौजूद है। और इस कैनाल को हम रेडियल कैनाल कहते हैं, और ये जो रिंग है इसको हम रिंग कैनाल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो पोर्शन जो कि इसके रिंग कैनाल है उसके वहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, इसको हम ये कहते हैं कि ये स्टोन कैनाल है, ठीक है। और इसी स्टोन कैनाल के ये जो स्टोन कैनाल जहाँ से रिंग कैनाल से स्टार्ट हो रही है और उसके ऊपर ये जो हेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम मैड्रिपोराइट कहते हैं, ठीक है। मैड्रिपोराइट वो पार्ट होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम में इकाइनोडर्म्स के जो कि वाटर को एंटर करने देता है बॉडी में। सेम इसी तरह से जैसे हम फाइलम पोरीफेरा की बात करते हैं तो उसमें जो ऑस्टिया पोर्स होते हैं वो वाटर को एंटर होने देते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से ये मैड्रिपोराइट है, ये वाटर को एंटर होने देता है। और नेक्स्ट ये हमारे पास ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ट्यूब फिट है। और ये हमारे पास ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम हेड भी कहते हैं, ये हमारे पास एम्प्यूल है, ठीक है। ये आपको सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट इसका मैं ये आपको फंक्शन भी बता देती हूँ कि ये जो मैड्रिपोराइट है जिसको हम, इसमें सेफ प्लेट्स मौजूद होती हैं, और इसका बेसिकली ये फंक्शन होता है कि वाटर जो है वो जो बॉडी है इकाइनोडर्म्स की उसमें एंटर हो जाए, ठीक है। रिंग कैनाल क्या होती है कि इसने जो माउथ है उस पार्ट को और उसके अलावा जो रेडियल कैनाल है उन पार्ट्स को सराउंड किया होता है, और इससे जब मैड्रिपोराइट में वाटर एंटर होता है तो ये रिंग कैनाल में मूव करता हुआ रेडियल कैनाल में एंटर हो जाता है। इसके अलावा हम एम्प्यूला की बात कर रेडियल कैनाल की बात करते हैं। रेडियल कैनाल में से फाइव ऑफ देम वन डाउन ईच आर्म, ठीक है। इन पांच कैनाल्स होती हैं, पांचों में से जो एक कैनाल होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, बाकी जो फोर होती हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती हैं।
और इसके अलावा हम ये बात करते हैं एम्प्यूला की. एम्प्यूला जो हमारे पास है एक मस्कुलर सैक होता है दैट कंट्रोल्स द ट्यूब फिट बाय फोर्सिंग वाटर इनटू. ठीक है, ये जो ट्यूब फिट की जो मूवमेंट होती है इनवर्ड मूव करना है या आउटवर्ड या फिर फॉरवर्ड करना है या बैकवर्ड, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एम्प्यूला जो है वो मस्कुलर सैक मौजूद होता है. ठीक है, जो फोर्सिंगली जो वाटर को जो है वो एंटर करेगा ट्यूब फिट में, और इसकी मदद से जो वाटर जो है ये जो एम्प्यूला होता है और इकाइनोडर्म्स होते हैं ये मूव करते हैं. नेक्स्ट हम इसमें ट्यूब फिट की बात करते हैं कि ट्यूब फिट जो है ये क्रिएट करेगी सेक्शन को डिहेयर द सबस्ट्रेट. ठीक है, ये जो सबस्ट्रेट के साथ मूव करता हुआ इसने मूव करना है जब एम्प्यूला इसमें हेल्प करेगा, और मूव करता हुआ जब ये नेक्स्ट एक सबस्ट्रेट आएगी ये वहाँ पे जाके जो है वो खुद को अटैच कर लेगा. इसके अलावा ट्यूब फिट का वर्क जो है उसमें हम मूवमेंट का भी लेते हैं, फीडिंग है, उसके अलावा एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करता है, रेस्पिरेशन और जो सेंसरी ऑर्गन है उसमें भी ये हेल्प करता है. ठीक है, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया वाटर वास्कुलर सिस्टम. नेक्स्ट इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्कस करेंगे. आपको ये वाटर वास्कुलर सिस्टम सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया. नेक्स्ट इसमें सी अर्चन की बात करते हैं कि सी अर्चन हैव अ लॉन्ग कॉइल इंटेस्टाइन टू अलाउ टाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल. ठीक है, ये जो डाइजेशन होती है ये हम पढ़ते हैं कि ये डाइजेस्टिव कैनाल या फिर इंटेस्टाइन की बात करते हैं, उसमें हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आ जाती हैं. ठीक है, ये जितनी इंटेस्टाइन ज़्यादा लॉन्ग होगी उतनी ही डाइजेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी. ठीक है, लेकिन अगर डाइजेशन जो है ये जो इंटेस्टाइन है इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होगा तो इस तरह से जो डाइजेशन होगी वो मटेरियल की कम से कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा तो कम मटेरियल उसमें से पास करेगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन साथ साथ हो जाएगी, और जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा. ठीक है, सी अर्चन में जो इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है, और इसके अलावा लॉन्ग के साथ साथ जो है वो क्वाइल्ड होती है. क्वाइल्ड का ये मतलब है बल खाती है, जैसे ये इसमें आपको इंटेस्टाइन नज़र आ रही है ये कभी इधर को टर्न खा रही है और कभी इस तरफ को और कभी इस तरफ को. ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम ये बात करते हैं कि सी कोकम्बर जो हमारे पास हैव सिमिलर सेक्शन टू एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट्स फ्रॉम द सेडिमेंट इट इंजेस्ट. ठीक है, इसमें जो न्यूट्रेंट की इंजेशन के लिए या फिर रेस्पिरेशन के लिए डाइजेशन के लिए सेम सी कोकम्बर में भी सेम इसी तरह की ही जो इंटेस्टाइन है वो मौजूद होती है. ठीक है, जो कि फूड मटेरियल है उसको डाइजेशन में हेल्प करती है. हम जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करते हैं उसमें हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आ जाते हैं, लेकिन जब हम हायर इनवर्टिब्रेट्स की तरफ या वर्टिब्रेट्स की तरफ हम जाते हैं तब इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज स्मॉल में डिवाइड होती है, लेकिन ये जितने भी मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स हैं तो इसमें हायर हैं या फिर लोअर हैं तो इसमें मोस्टली इंटेस्टाइन ही मौजूद होती है. नेक्स्ट इसमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है कि सी ब्रिटल का और सी स्टार्स का. ये इसमें हमारे पास जितने भी ये मेंबर्स हैं सी कोकम्बर, सी अर्चन या सी ब्रिटल या सी स्टार, ये हमारे पास सारे के सारे जो है फाइलम इकाइनोडर्म्स में आते हैं, और इसका बेसिकली ये फंक्शन है कि ये कैन एवर्ट अ पोर्शन ऑफ देयर स्टोमिक आउट ऑफ देयर माउथ टू इनगल्फ फूड. ठीक है, ये जो स्टोमिक में फूड आती है इनके आउटसाइड द बॉडी जो है वो माउथ होता है, जो कि माउथ जो है वो फूड को इनगल्फ करता है, और इनगल्फ करने के बाद इसी फूड को जो है वो स्टोमिक की तरफ लेके जाएगा, और स्टोमिक से जो है वो इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन कम्प्लीट हो जाएगी तो डाइजेशन कम्प्लीट होने के बाद फिर वो उसको आउटसाइड द बॉडी जो है वो बाहर रिमूव कर देगा. ठीक है, नेक्स्ट इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लैंड्स में लोकेटेड होते हैं दैट एक्सटेंड इनटू द आर्म. ठीक है, जैसे हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड की इसमें ये अपर ये जो डायग्राम है ये इसमें हमने ये बात की कि ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ये मौजूद होते हैं, ये जो यही डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड को जो है वो इंजेस्ट करने में. ठीक है, और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये मोस्टली आर्म्स में मौजूद होते हैं और आर्म्स तक एक्सटेंडेड होते हैं ताकि जितने से ज़्यादा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, और यही एंजाइम्स जो है ये फूड की डाइजेशन में हेल्प करेंगे.
ठीक है, ये हमारे पास सी अर्चन में या सी स्टार में ये दिखाया गया कि ये हमारे पास ये टेल लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब फिट है, ठीक है, ये गोनेड्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव में इन्वॉल्व होते हैं, और ये हमारे पास ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये आपको पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ साथ ये हमारे पास ये जो स्किन है इनकी, इनमें गिल्स मौजूद हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये जो गिल्स होते हैं ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास कैल्केरियस प्लेट मौजूद हैं जो कि जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बनाती हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट का इनका बना होता है तो ये उसको बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है, ये प्लेट्स। और ये जो हमारे पास ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम एम्प्यूला कहते हैं। नेक्स्ट इसमें रीजनरेशन की पढ़नी है कि रीजनरेशन भी हम इसे कहते हैं या ऑटोनोमी भी कहते हैं। ऑटोनोमी और रीजनरेशन का सेम एक ही बात है कि अगर कोई भी पार्ट बॉडी का लॉस हो जाता है तो उसको जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए या रीजनरेट करने के लिए, दोबारा से उसको पैदा करने के लिए रीजनरेशन का फिनोमिना जो है वो प्रोड्यूस होता है। और ये जो रीजनरेशन का फिनोमिना है मोस्टली जो सेंट्रल डिस्क है वो प्ले करती है, ठीक है। इसमें जो लॉस पार्ट होता है या फिर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, उसका बॉडी जो है वो वर्क अपना परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो उसको कट करके जो है वो न्यू आर्म जो है वो क्रिएट कर ली जाती है। इसमें हम ये कहते हैं कि समटाइम सवेर्ड आर्म कैन ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म इफ वन ओवर फाइव ऑफ द सेंट्रल डिस्क इज प्रेजेंट। इसका मतलब यह है कि जो सेंट्रल डिस्क की हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंट्रल डिस्क जो है वो रीजनरेशन में मेन रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल अगर हाफ से ज़्यादा पार्ट जो है वो, या अगर वन बाय फाइव पार्ट भी अगर एक आर्म में जो है वो मौजूद होता है तो वो सेम इसी तरह से जैसे हम बडिंग फिनोमिना में पढ़ते हैं तो वो एक बर्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा, वही बर्ड जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देगा। सेम इसी तरह से ही स्टारफिश में भी ये जो सेंट्रल डिस्क होती है, अगर ये कोई एक बॉडी का पार्ट जो है वो अलग होता है, डैमेज नहीं भी होता या उसमें फ्यूजन हो जाती है, अगर उनमें सेंट्रल डिस्क का कुछ ना कुछ पार्ट मौजूद है तो वो दोबारा से जो ऑर्गेनिज्म है उसको रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सेम लाइक बडिंग फिनोमिना, जैसे हमने एक्सटर्नल बड की बात की थी हाइड्रा में, ठीक है। इसमें ये जितना भी रीजनरेशन का फिनोमिना होता है इसमें सेंट्रल डिस्क जो होती है वो मेन रोल जो है वो प्ले करती है। नेक्स्ट इसमें आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बता दूं, इसमें जो नर्वस सिस्टम का हम मोस्टली कहते हैं कि लिमिटेड नॉलेज ऑन दिस एस्पेक्ट एस्पेक्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ नर्व नेट, ठीक है। इसमें हम दूसरी ब्लड की बात करते हैं या अदर देन नर्व्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, तो इसमें जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व नेट की फॉर्म में मौजूद होगा जी। स्टारफिश की एग्जांपल इसी में ही है बच्चे। नेक्स्ट इसमें जस्ट एक कटल फिश है वो इसमें नहीं आएगी। जो कटल फिश है हमारे पास उसके साथ फिश का नाम तो लगा हुआ है लेकिन वो मोलस्क में आती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितने भी फिशेस हैं, स्टारफिश हैं या इसके अलावा स्टारफिश के अलावा हमारे पास और भी फिशेस हैं जिनके आर्म्स, किसी के आर्म्स जो हैं वो कम हैं, उनकी लेंथ कम है, और किसी के आर्म्स जो हैं उनकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसकी एक ये भी है कि इनके फाइव आर्म्स होते हैं और ये इसका मेन करेक्टर है। तो लेकिन जो कटल फिश है वो फाइलम मोलस्क में आएगी। इसके अलावा जितने भी फिशेस हैं, ये जो सी स्टार हैं, ये सारी जो हैं वो इकानोडर्म में आएंगे। कार्टिलिजिनस फिशेस या बोनी फिशेस हैं वो नहीं आएंगी इसमें, ठीक है, क्योंकि वो वर्टिब्रेट्स में हैं। ये हम इनवर्टिब्रेट्स का पढ़ रहे हैं और इसमें जो है वो नर्व नेट की फॉर्म में जो है वो नर्वस सिस्टम मौजूद होगा। इसके अलावा हम सेंसरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ये जो ऑसिलाई होती है ये सिंपल आई होती है। जब मैंने फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, जब हमने कंपाउंड आई और ऑसिलाई का पढ़ा था, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कंपाउंड आई में जो है वो ओमेटीडिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। सेम इसी तरह से फाइलम इकाइनोडर्म्स के जो मेंबर्स होते हैं इनमें ऑसिलाई मौजूद होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक जो है वो पिगमेंट्स स्पॉट्स होते हैं सी स्टार्स की बॉडी पे, ठीक है। और इनका बेसिकली ये फंक्शन होता है कि ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं और इसके अलावा जो डार्कनेस होती है उसको डिटेक्ट करते हैं। और इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो ऑसिलाई होते हैं इनका मोस्टली ये फंक्शन होता है कि ये सेंस ऑर्गन्स में ये लाइट डिटेक्टिंग में एज ए फोटो रिसेप्टर्स यूज होते हैं।
नहीं, जो कटल फिश है उसके साथ फिश का नेम ज़रूर लगा हुआ है लेकिन वो फिश नहीं है, वो हमारे पास मोलस्क है, ठीक है। और मोलस्क भी हमारे पास वो है जब हम उसकी क्लास बाइवेल्विया की बात करते हैं तो उसमें हम कटल फिश को जो है बाइवेल्विया क्लास में रखते हैं। ये इसमें टाइम पे बच्चे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसको यह टाइम लगता है, ये नहीं कि फौरी कर लेंगे, लेकिन ये जो रीजनरेशन का फिनोमेना है इसको एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट के या रिप्रोडक्शन के है इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना रिप्रोडक्शन में और अदर प्रोसेस में लगता है, ठीक है। रीजनरेशन में ये होता है कि जैसे ही पार्ट कट होता है विद इन वन वीक जो है ये या उससे भी कम ये उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक पार्ट को दो दफ़ा ही नहीं दो से ज़्यादा बार भी रिपीट जो है ये कर सकते हैं, उसको रीजनरेट कर सकते हैं। ये जो शार्क्स हैं वो कार्टिलेजिनस फिशेस में आती हैं, इसके अलावा बोनी फिशेस भी हैं, बोनी फिशेस के अलावा हैग फिशेस भी हैं या ईल भी हैं। वो हमारे पास जितनी भी ये फिशेस की टाइप्स जो मैंने अभी आपको बताई ये सारी के सारी फिशेस जो हैं ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ये जो अभी मैंने आपको फाइलम पढ़ाए फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम इकाइनोडर्म तक, ये आप सारे इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्वाड्रेट्स शुरू होते हैं, वर्टिब्रेट्स शुरू होते हैं, वो आप लोगों के टॉपिक में नहीं है, ठीक है। ये जो जितनी भी फिशेस हैं इसमें हमारे पास हैग फिशेस आ जाती हैं, बोनी फिशेस आ जाती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस हैं या फिर शार्क्स आ जाती हैं, ईल आ जाती हैं। तो ये जितनी भी हमारे पास टाइप्स हैं ये सारी की सारी फिशेस जो हैं ये मैरीन वाटर में तो मौजूद होती हैं, एक्वेटिक में भी मौजूद होती हैं, लेकिन ये हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें के वर्टिब्रे जो है वो मौजूद होता है, इसके अलावा नोटोकॉर्ड जो है वो मौजूद होते हैं। वर्टिब्री फॉर सेम जैसे ये जो आप अभी बैठ के क्लास ले रहे हैं, ये जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो आपकी कमर की बैक साइड पे एक हार्ड स्ट्रक्चर नज़र आएगा आपकी कमर की बैक साइड पे लाइन में, ठीक है, उसमें जो है इसको हम वर्टिब्री कहते हैं और इसी की बिना पे हम वर्टिब्रेट्स को और इनवर्टिब्रेट्स को जो है वो अलग करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में आप देखते हैं कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है या वर्टिब्री होती है ये मौजूद नहीं होती, इसीलिए फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच है तो आप उसको अपने पाँव के नीचे जो है वो मसल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स हैं मोस्टली जिनमें वर्टिब्री मौजूद होती है उसको आप मसलना जो है वो आपके लिए इजी नहीं होता, ठीक है। ये वर्टिब्रेट में और इनवर्टिब्रेट में मेन डिफरेंस है। इसके अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वर्टिब्रेट्स में मौजूद होता है और इनवर्टिब्रेट्स में जो है वेल डिवेलप नहीं होता, वो जो है वो लेस डिवेलप होता है। इसके साथ साथ वर्टिब्रेट्स में हम ये बात करते हैं कि उसमें जो है वो नोटोकॉर्ड मौजूद होती है जो कि हमारा ब्रेन और बाकी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के वो बनाएगी, ठीक है। इसका मेन रोल होता है ये, इसीलिए वो बातें मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि वो वर्टिब्रल में आ जाते हैं या क्वाड्रेट्स में आ जाती हैं। ये जितने भी आपके करेक्टर्स हैं ये जो फाइलम इकाइनोडर्म्स तक हैं ये अलग हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं और वर्टिब्रेट्स के जो करेक्टर्स हैं वो अलग हैं। नेक्स्ट ये सी स्टार की बताई गई है, इसमें यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी है, इसके अलावा जो आपको शेयर किया जाएगा उसमें भी आपको सारे साइंटिफिक नेम जो हैं ये इनके सी स्टार हो गया, सी कुकम्बर हो गया या स्टार फिश होगी आपको पता होना चाहिए। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एस्टेरियस रूबिन्स है और इसकी जो टॉप साइड की ये दिखाई गई है आपको टॉप साइड, ठीक है, और ये जो है इसकी बॉटम साइड, ठीक है लेकिन एक ही स्टारफिश लेकिन उसका अपवर्ड और डाउनवर्ड जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो दिखाया गया है कि ये जो इसमें शेप है। इसके अलावा ये इसका जो आई स्पॉट है, ठीक है, जो कि टिप पे मौजूद होता है सेम जैसे हम आम माउथ की बात करते हैं, ठीक है, जैसे माउथ पार्ट पे या इंटीरियर पार्ट पे जो है वो आई स्पॉट मौजूद होते हैं सेम इसी तरह से ये जो इनकी टिप होती है ये जो इनकी पॉइंटेड जो है वो इनकी आम होती है ये हम कहते हैं कि यहाँ पे आई स्पॉट्स मौजूद होते हैं जो कि सेंस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो बॉडी में सेंट्रल डिस्क होती है मैंने आपको बताया था कि ये रीजनरेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो मेन कैनाल जो है वो इसी से ही जो नेक्स्ट आर्म्स में वो ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा आर्म क्या बताया गया कि आर्म जो है या रे जो है वो कवर्ड की जाएगी थ्रू द स्किन,
ठीक है, इनमें स्किन जो है वो एपिडर्मस जो लेयर होती है वो मौजूद होती है, लेकिन जब हम इसके स्केलेटन की बात करते हैं तो इसका एंडोस्केलेटन होता है कि इंटरनली मौजूद होता है। इसके अलावा गिल्स का मैंने आपको बताया कि ये जो टीनी और होलो फिंगर लाइक गिल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को गुजरने देंगे। नेक्स्ट इसमें शार्प और बोनी जो स्पाइंस मौजूद होते हैं, जैसे वो मैंने आपको कांटों का बताया था, ठीक है, ये एक तो ये ग्रेस्पिंग पिनसाइजर कवरिंग द बॉडी, ठीक है, कोई भी अगर प्रीडेटर वगैरह अटैक करता है तो ये उस पर अटैक करेंगे, डिफेंस के तौर पर भी यूज़ होते हैं, इसके अलावा डायरेक्शन है वो भी प्रोवाइड करते हैं। बच्चे स्नैक जो है वो इन्वर्टिब्रेट में नहीं आता, क्योंकि हमने सारे इन्वर्टिब्रेट्स पढ़े हैं उसमें नहीं आता। जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं उसमें हमारे पास फ्रॉग्स और टोड्स आ जाते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट इसमें जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं उसमें हमारे पास ये स्नैक और लीजर्ड्स, वो जो छिपकलियाँ आमतौर पर घरों में होती हैं या फिर डेजर्ट्स में इन्वायरमेंट में होती हैं वो, और बर्ड्स का आप लोगों को पता है, और इसके अलावा मैमल्स का भी आप लोगों को पता है। नहीं, मोस्टली जो फाइव आर्म्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते, इनके जो फाइव आर्म्स में से जो है वो कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर इनका एक पार्ट डैमेज हो जाता है वो कट होके उसको टाइम लगेगा तो उसमें ये डिवेलप होते हैं। जी, उसमें जो फूड और जो न्यूट्रेंट की हम बात करते हैं वो सेंट्रल डिस्क होती है, न्यूट्रेंट वहाँ से ऐड होता है, ठीक है, उसका जो एनस है वो वहीं पे ही मौजूद होगा और इसका जो माउथ है वो भी, और इसके अलावा जो स्टोन कैनाल है वहाँ से जो है वो वाटर एंटर होगा। नेक्स्ट इसमें ये देखें, ये जो आपको ये जो यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही है, यहाँ पे हमने माउथ की बात की है, ठीक है, कि माउथ विद द स्टमक दैट पाउचेज पुश्ड आउट टू गेट फूड, ठीक है, यहाँ पे इसका माउथ होगा और यहाँ पे ही एनस होगा और यहाँ पे ही सेंट्रल कैनाल होगी, और इसके अलावा यहाँ से जो है ये इस तरफ को जब मूव करेगा या इस तरफ को मूव करेगा यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सक्कर्स भी मौजूद होते हैं, ट्यूब फिट की टिप पे ही सक्कर्स मौजूद होते हैं। सक्कर्स को आपको पता है कि सक्कर्स और हुकर्स का जो काम होता है वो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ या किसी भी सोसाइल सरफेस और उसके साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एम्ब्यूरकल ग्रूव होता है विद 2 to 4 रोज ऑफ ट्यूब फिट, ठीक है, ये जो ग्रूव्स बने जाते हैं ताकि ये जो ट्यूब फिट का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया जा सके। जी, हर आर्म में उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, मैं रीजनरेशन करने वाला प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ाए, ये जो आई स्पॉट है या फिर माउथ है या फिर एनस है या फिर सकर्स और हुकर्स हैं या स्पाइंस हैं, ठीक है, ये बॉडी इसकी जो है वो एक ही पार्ट नहीं है जहाँ पे ये मौजूद होंगे, बॉडी जितने भी पार्ट हैं ये वहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है, हर पार्ट में, और इसका बेसिकली हर पार्ट में डिफरेंट फंक्शंस हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको जनरेट कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिस नरगिस नाइक बात कर रही हैं। जी जी, एक्सक्यूज मी, बात सुने सर, बात सुने मेरी, मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आप उसको एक्टिवेट कर दें, आप कल से कॉल्स आ रही हैं, मैंने ये नहीं कहा था कि आप उसको सर एक मिनट बात सुने मेरी, मैंने जस्ट सुनी थी लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा था कि जी एक्टिवेट कर दें, या मुझे मैंने आपसे उसकी डिटेल पूछी थी, क्या बिना पिन लगाए हुए आपने अकाउंट से जो है वो ट्रांसफ़र कर लिए हैं? नहीं,
मैंने पिन कोड नहीं एंटर किया, यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही जी। जी नहीं, जी कल भी मैंने कॉल की थी इसी नंबर पे, मैंने कहा भी है उनको। जी इसी फोन पे ही करवाई थी। जी जी ओके थैंक यू। नहीं इनमें माउथ और एनस अलग अलग होगा ठीक है, लेकिन होंगे दोनों सेंट्रल डिस्क में ही, और दोनों का फंक्शन जो है वो अलग होगा। सॉरी बच्चे, ठीक है ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। या देखें इसमें ये इसमें जो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं ठीक है वो उसमें दिखाए गए हैं, लेकिन ये है कि ये जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं बॉडी पार्ट हैं उसका भी सेम यही स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो प्लेट्स दिखाई गई हैं, इसके अलावा रेक्टल ग्लैंड है जो कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उसको रिलीज़ करता है बॉडी से। इसके अलावा ये एनस है ठीक है, ये दिखाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ही हमारे पास स्टोमिक है वो भी सेंट्रल डिस्क में ही हमारे पास मौजूद है ठीक है। और स्टोमिक से जब फूड एंटर होती है और यहाँ पे सारी स्टोमिक में चली जाती है, और स्टोमिक से फिर हमारे पास पाइलोरी डक्ट है, और पाइलोरी डक्ट वो होती है जो कि स्टोमिक से फूड को जो है वो नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन उसमें लेके जाती है। ये जो हमारे पास सीकम है ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास पोडिया हैं जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट में ठीक है, ट्यूब फिट है वो भी मूवमेंट में हेल्प करेगा। इसके अलावा मेड्रीपोराइट वो पोर होता है जहाँ से वाटर जो है वो एंटर होता है बॉडी में, और ठीक है ये हमारे पास जो गोनेड्स हैं वो मौजूद हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एम्प्यूला है जो कि ट्यूब फिट के जो है वो स्टिमुलेट करेगा मूवमेंट के लिए, डायरेक्शन के लिए, और उसकी जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है ठीक है। यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया? बच्चे यहाँ तक सब क्लियर हो गया आप सब स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करनी है वो हमारे पास फाइलम इकाइनोडर्म्स की हमारे पास क्लासेस हैं। क्लासेस में हमारे पास एक हमारे पास एस्ट्रॉइडी है जिसको हम इसमें हम तीन चार क्लासेस पढ़ेंगे, उसमें से हमारे पास एस्ट्रॉइडी एक क्लास में हमारे पास सी स्टार्स और स्टार फिश ठीक है ये इंक्लूड होते हैं। इसमें हमारे पास मोस्ट हैव फाइव आर्म्स होती हैं जो कि सेंट्रल डिस्क से जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, और इसमें ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें ये कहते हैं कि ईच आर्म कैरीज एन इक्वल शेयर ऑफ ऑर्गन सिस्टम ठीक है, हर हमारे पास ये जो आर्म है उसमें हर ऑर्गन सिस्टम जो है वो मौजूद होगा, ताकि अगर इसमें से ये अगर आर्म जो है वो कट होती है और इसमें से अगर सेंट्रल डिस्क का पार्ट मौजूद होगा तो ये अपने एक जो है वो न्यू स्पीशी जो है वो क्रिएट कर लेगा ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्लास एस्ट्रॉइडी में हम ये कहते हैं कि इसमें ये जो ग्रूव्स मौजूद हैं इसको हम एम्ब्यूरिकल ग्रूव्स कहते हैं, और ये कंटेन करेंगे ट्यूब फिट को ऑन द आर्म्स। जो आर्म्स पे ट्यूब फिट मौजूद होते हैं ये जो एम्ब्यूरिकल ग्रूव्स होते हैं ये उनको लेके आते हैं ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके, और इसके साथ साथ जो मूवमेंट है उसको हेल्प की जाए, जिसमें हम इसमें एम्प्यूला जो है वो इसी में ही आता है ठीक है। इसमें ये जो क्लास इसमें आपको मेन फंक्शंस और इसकी जो
हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो आपको आनी चाहिए इसमें। इसके अलावा हमारे पास क्लास एस्ट्रॉयडी में हमारे पास पेडिसलरीज होते हैं, और पेडिसलरी हमारे पास मोस्टली क्या होता है कि इसका ये मेन फंक्शन होता है कि ये टीनी पेंसिल लाइक ऑर्गन्स ऑन द अबोरल साइड, ठीक है, ये जो अबोरल साइड होती है ये वहाँ पे मौजूद होते हैं, और अपर साइड, ठीक है, और इनका बेसिकली ये फंक्शन होता है कि जो सरफेस है उसको क्लीन किया जाए, ठीक है, कोई भी वेस्ट मटेरियल है या कोई भी अगर डैमेज थिंग उसके ऊपर गिरती है तो इनका मकसद ये होता है कि इनको जो है वो क्लीन किया जाए, सेम ऐसे जैसे वो झाड़ू पोछे का काम होता है, ठीक है। ये जो पेडिसलेरी होती हैं ये ऐसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बॉडी सरफेस जो है उसको क्लीन करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम सी स्टार्स की बात करते हैं। सी स्टार्स में हमारे पास कुछ जो हैं वो प्रीडेटर्स भी होते हैं बाइवल्व्स स्नेल्स के, जैसे हमने बाइवल्विया क्लास पढ़ी फाइलम मोलस्क में। बच्चे ये हमारे पास जितने भी इकाइनोडर्म्स हैं ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है। और मैरीन मोस्टली वो हमारे पास इन्वायरमेंट होता है जिसमें कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें इसमें जो हमारे पास बच्चे पेनिसर की बात की है, ये एक ऐसा ऑर्गन होता है, इसका बेसिकली ये फंक्शन होता है कि जो ग्रेस्प करना, जैसे हम रेड्यूला में करते हैं कि उसको जॉज के ज़रिए से उसको खा जाना, ठीक है, इनगल्फ कर लेना, और इस तरह से ये जो पेनिसर जो होता है इसके टीनी इनमें पेंसर लाइक ऑर्गन्स होते हैं, और इनका बेसिकली ये फंक्शन होता है कि ये जो मटेरियल मौजूद होता है इनकी बॉडी पे उसको जो है वो ग्रेस्प कर लें और उसको इनगल्फ कर लें अपनी बॉडी में। और नेक्स्ट इसमें जब हम बाइवेल्व की बात करते हैं, बाइवेल्व जो मोस्टली हमने पढ़ा था कि ऐसे वाल्व्स होते हैं जिनमें कि जो शेल होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और इसके अलावा इनमें जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। और इसमें प्रीडेटर हम उसको कहते हैं जिस जो कि अटैक कर रहे होते हैं प्रे पे, और प्रे वो होता है जो कि अटैक का बाइस बनता है, शिकार का बाइस बनता है, ठीक है। जैसे एक ह्यूमन जो है वो किसी एनिमल पे हंट करता है, ठीक है, हंट करके उसको एज ए मीट पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, जो हंट हो रहा होता है उसे हम ये कहते हैं कि ये प्रे है, ठीक है, जो शिकार का बाइस बनता है उसे हम ये कहते हैं कि ये प्रे, और प्रीडेटर वो होता है जो कि शिकार करता है, ठीक है। सेम इसमें हम ये कहते हैं जो सी स्टार्स होते हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं, बाइवेल्व बाइवेल्व पे अटैक करते हैं, मोलस्क के जो ऑर्गन एनिमल्स होते हैं उन पे अटैक करते हैं, उनको खा जाते हैं, इसके अलावा स्नेल्स हैं उन पे भी अटैक करते हैं, इसके अलावा अदर अटैच करते हैं, और इसके अलावा स्लो मूविंग एनिमल्स हैं, ठीक है। सी स्टार जो हैं वो स्लो मूविंग एनिमल्स हैं, और इनका बेसिकली ये फंक्शन होता है कि ये सी स्टार्स के जितने भी मेम्बर्स हैं एनिमल्स हैं ये सारे प्रीडेटर्स हैं, और जो मोलस्क हैं ये उनकी बॉडी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये उनको एज ए प्रे जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें ये जो मैरीन इन्वायरमेंट है वो दिखाया गया है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे एम्ब्यूरिकल ग्रूव वो होता है जहाँ पे कर्व आ जाती है, और वहाँ पे एम्प्यूला की डेवलपमेंट होती है, और जो ट्यूब फिट को जो है वो सपोर्ट करता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इसको जो टिपिकली जो है ये एम्ब्यूरिकल ग्रूव जो है वो डिफरेंट क्लासेस हैं इकाइनोडर्म्स की उनमें मौजूद है, ठीक है। जैसे हम एस्ट्रॉयडी अभी पढ़ रहे हैं, इसके अलावा एड्रॉयड एस्ट्रेसडी जो हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो उसमें ये जो है एम्ब्यूरिकल जो है वो ग्रूव मौजूद हुआ है, ठीक है। इसमें डिफरेंट एम्ब्यूरिकल पार्ट्स में, जैसे उसमें हम सकर्स की बात की, हमने स्पाइंस की बात की, और प्लेट्स की बात की, ठीक है। और इसका बेसिकली ये फंक्शन होता है कि ये जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वो होता है जो कि इंटरनल बॉडी का शो किया जाता है, ठीक है, इसको हम एम्ब्योरिकल का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमने जो क्लास डिस्कस करनी है वो हमारे पास ये सेकंड क्लास है, ठीक है, जिसको हम
जिसको हम नाम देते हैं ओफियोरॉयडी का, ठीक है। इसमें हम मोस्टली ये कहते हैं कि इसमें जो ब्रिटल स्टार्स हैं वो मौजूद हैं। आवाज़ नहीं आ रही बच्चे आपको सही से, किस स्टूडेंट का इशू है? आप इसको कनेक्ट करेंगे दोबारा तो आपको आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम क्लास जो है ओपेराइडी पढ़ते हैं, उसमें ब्रिटल स्टार्स की डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें जो लेग्स होती हैं वो प्रोपोर्शनली लॉन्गर होती हैं, ये देखिए लेग्स को हम आर्म्स भी कहते हैं, और ये जो लेग्स होती हैं ये एज़ कम्पेयर टू जो एस्ट्रॉयडी हमारे पास क्लास है उससे जो है एज़ कम्पेयर टू लॉन्गर होती हैं। नेक्स्ट इसमें हम ये कहते हैं कि लॉन्गर होने के साथ साथ उनकी जो विड्थ होती है वो थिन होती है एज़ कम्पेयर टू सी स्टार्स के, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो मूवमेंट होती है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर के, क्योंकि इनकी जो लेग्स होती हैं या आर्म्स होती हैं वो लॉन्ग होने के साथ साथ वो थिन होती हैं। थिन इसलिए होती हैं ताकि ये ईजीली जो है वो मूव करने में इनको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इसमें हम ये बात करते हैं कि ऑर्गन्स जो हैं उनमें जो सेंट्रल डिस्क है, और इसी सेंट्रल डिस्क में जो मोस्टली ऑर्गन्स हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें जो ट्यूब फिट है उसमें जो सकर्स हैं वो मौजूद नहीं होते, ठीक है। ये जो सकर्स हैं वो अटैचमेंट का बाइस बनते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने प्लेटी हेलमन थी इसमें, इसके अलावा और भी एक दो फाइला पढ़े थे जिसमें हमने ये देखा था कि ये जो सकर्स और हुकर्स होते हैं इनका बेसिकली ये फंक्शन होता है, ये अटैचमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं सरफेस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये जो सेंट्रल डिस्क होती है इसमें मोस्टली ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और यही ऑर्गन्स जो हैं ये इनको हेल्प करते हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ये जो हमारे पास सी स्टार्स की एग्जांपल है, तो इसमें ये जो आर्म्स हैं ये मोर देन जो है वो फाइव हैं, ठीक है। ये डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट हैं, और इसमें ये जो तकरीबन हम इसमें ये कह सकते हैं 50 हैं या मोर देन 50 हैं, लेकिन इसमें ये जो सेम जैसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर है वो मौजूद होता है, लेकिन मोस्टली जितने भी फाइलम इकाइनोडर्म्स के मेंबर्स हैं उसमें मोस्टली फाइव आर्म्स या फाइव लेग्स होती हैं, ठीक है। एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। नेक्स्ट हम इसमें ये कहते हैं कि क्लास ऑफ राइली में ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास कितनी लॉन्ग जो इसकी लेग्स हैं और कितनी थिन जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ये उस पर डिपेंड करती हैं, ऑर्गेनिक मैटर ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। और इसके अलावा जो जो स्मॉल एनिमल्स हैं जो कि बॉटम पे मौजूद होते हैं ये उन पे भी डिपेंड करते हैं अपनी फीड के लिए। फॉर एग्जांपल हम इसमें ये कहते हैं क्योंकि ये बॉटम डेवलर्स होते हैं, इसके अलावा ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है। हमने ये भी देखा था कि ये जितने मेंबर्स होते हैं ये एज ए जो फाइलम मोलस्क है ये उनको जो है अपनी फूड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एज ए खुद प्रीडेटर रह के और उन पर प्रे का अटैक करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ये कहते हैं कि ये पास फ्रॉम ट्यूब फूड टू ट्यूब फूड टिल इट रिचेज द माउथ, ठीक है। ये जो फूड जो है ये जो हमारे पास ट्यूब फिट है ये हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से एब्जॉर्ब करके जो है वो बॉडी को यहाँ से नहीं, ये जो ट्यूब फिट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद हैं उनके ज़रिए से उनको कलेक्ट करेंगे फूड को, और फूड को कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो है इसको सेंट्रल डिस्क में लेके जाएंगे, और इस तरह से ये फूड जो है वो पूरी बॉडी में कन्वे होती है, सारी एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रोसीजर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड नंबर पे क्लास है वो क्लास है हमारे पास क्लास एक्नोइडी, ठीक है। इसमें हमारे पास मोस्टली जो है वो सी अर्चन्स और सैंड डॉलर जो हैं वो आते हैं, और इनकी जो बॉडी है वो मोस्टली जो है वो राउंड फॉर्म में होती है, ठीक है, और रिजिड फॉर्म होती है। इसके अलावा इन पे जो मूवेबल जो है वो स्पाइंस होते हैं, ये देखें ये आपको इनकी बॉडी पे काफ़ी स्पाइंस की जो वो तादाद है वो नज़र आ रही है, और ये जो इनकी बॉडी है ये राउंड है बिल्कुल बॉल लाइक। नेक्स्ट इसमें हम ये कहते हैं कि इसमें जो है वो स्पाइंस के साथ साथ रिजिड बॉडी के साथ साथ इनमें जो पेडिसलरी है वो भी मौजूद होते हैं। ये पेडिसलरी जो है वो बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर जो है जो कि क्लीन अप करता है बॉडी को, जो इनकी बॉडी पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो अटैच होते हैं ये उनको जो है वो क्लीन अप करके जो है इसको फ्रेश कर देते हैं। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि लोकोमोशन जो इनमें लोकोमोशन है वो मोस्टली स्पाइंस के ज़रिए से होती है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली स्पाइन से कवर होती है। इसमें जो हम ट्यूब फिट की बात करते हैं इसमें जो ट्यूब फिट जो है वो मोस्टली
डिफरेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे हम फाइलम किसी क्लास क्लास इकाइनोइडी की बात करते हैं। इसमें जो बॉडी प्लान है सी स्टार्स का, वो रिपीटेड करेगा अपनी जो आर्म्स होती हैं उनकी मूवमेंट को अपवर्ड भी, इसके अलावा जो उनकी टिप्स होती हैं उसके साथ भी कनेक्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा माउथ की हम बात करते हैं कि माउथ जो है वो बॉटम सरफेस पे होता है और एनस जो है वो अपवर्ड सरफेस पे होता है, ठीक है। जो सेंट्रल डिस्क है हमारी, जो एनस है वो टॉप पे होगा, जैसे एक ऑर्गेनिज्म जा रहा है हमें दिखाई दे रहा है तो उसकी जो टॉप पे है वो सरफेस जो है वो एनस नज़र आएगा, जो बॉटम है वहाँ पे हमें जो है वो माउथ नज़र आएगा, ठीक है। और इसी माउथ जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए होता है ताकि अगर ये उस पर ज़मीन पे रिंग रहे होते हैं या इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं ताकि उसी इन्वायरमेंट से ये अपनी फूड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से जो है वो इनगल्फ कर सकें, इनको जो है अपनी बॉडी की जो पोजीशन है फूड कलेक्टिंग के लिए वो चेंज ना करनी पड़े, ठीक है। इसके अलावा इसमें स्पाइंस हैं वो शार्प होते हैं, जैसे हमने ऊपर अभी देखे लास्ट स्लाइड में। तो इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो हॉलो होती है। इसके अलावा सर्टन विनोम होते हैं, विनोम वो होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं इनकी बॉडी के लिए। इसके अलावा जो अदर ऑर्गेनिज़म्स हैं ये उनके लिए जो है ये विनोमस होते हैं। ये जो विनोम होते हैं उन पे अटैक करके, जैसे प्रीडेटरी के हवाले से हमने बात की तो ये जब उन पे अटैक करेंगे तो अपना विनोम जो है वो उनमें रिलीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से ये उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये पॉइजनस मटीरियल होता है। नेक्स्ट इसमें यह हमने इसमें क्लास इकोनॉइडी में बात करते हैं प्लेट्स की, ठीक है। इसमें तकरीबन क्लास इकोनॉइडी में 10 प्लेट्स होती हैं जो कि अल्टरनेटिंग होती हैं, और इसके अलावा एबियोरिकल जो है वो ओपनिंग होती है ट्यूब फिट की जो ऊपर, सेम जैसे मैंने आपको एम्प्यूला का नाम दिया, ठीक है। जो एम्प्यूला है हमारे पास वो एबोरिकल सिस्टम में आ जाता है और इसका बेसिकली ये फंक्शन होता है ट्यूब फिट की ये ओपनिंग होती है, और इसका बेसिकली ये फंक्शन ये होता है कि इसको जो है वो ट्यूब फिट की जो मोशन होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा इंटर एम्ब्योरिकल भी मौजूद होते हैं जो कि स्पाइंस की जो बम्प्स होती हैं स्पाइंस के जो इन बिटवीन है वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एबोरिकल हैं जो कि ये इन बिट सेंटर में हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास बम्प्स फॉर स्पाइंस, ये जो स्पाइन है इसके इनर पार्ट में ये जो हमारे पास मौजूद होंगे, इसे हम ये कह रहे हैं कि ये इंटर जो है वो एम्ब्योरिकल स्पाइंस। इंटर होता है बिटवीन, ठीक है, और स्पाइंस है स्पाइन के जो सेंटर की जो प्लेसेस हैं उनके बिटवीन मौजूद हैं। नेक्स्ट हम इसमें क्लास एक्नॉइडी का ये देखते हैं कि जो इसका माउथ पार्ट है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स में, क्योंकि इनकी शेप डिफरेंट है और शेप डिफरेंट होने की वजह से जो इनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। अच्छा, इसमें यहाँ पे हम ये बात करते हैं, ये जो स्पाइन हमने इनकी जो राउंड बॉडी थी, ठीक है, इनको जो है वो एक्सटर्नल इनका जो डाइसेक्शन है वो दिखाया गया, ठीक है। माउथ हैज़ इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ जॉज एंड मसल्स, ठीक है, इनमें जॉज हैं वो भी मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मसल्स हैं वो मौजूद हैं, और इन्हीं जॉज और मसल्स को जो है वो एरिस्टोटल जो है वो लेट्रन का नाम दिया गया। ये हमारे पास लेट्रन दिखाए गए हैं, आपको ये नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा ये जो इनकी इनर सरफेस पे हैं ये हमारे पास लेट्रन प्रोटेक्टर मसल्स हैं और लेटरन रिट्रैक्टर मसल्स हैं, ठीक है। इसमें खैर आपने इसने नाम नहीं याद करने, लेकिन आपको ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एरिस्टोटल लेटरन है क्या, ठीक है। इसमें ये जो इकाइनोडर्म्स हैं इसमें हम क्लास इकोनॉइडी उसका जो माउथ होता है उसमें सिस्टम मौजूद होता है जिसको कि हम जाज और मसल्स पे मुश्तमिल होता है, और इसी जाज और मसल्स के जो कॉम्बिनेशन का जो सिस्टम है उसको हम एरिस्टोटल लेटरन का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि यूज टू बाइट ऑफ एलजी एंड अदर बिट्स ऑफ फूड फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। ये जो बॉटम इनका जो माउथ पार्ट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, बॉटम सरफेस पे होता है, और इस तरह से ये जो माउथ होता है ये एलजी को, एलजी के साथ साथ ये जो अदर फूड मटीरियल्स होते हैं जैसे हमने मोलस्क की बात की, इसके अलावा और भी जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जो कि इनसे साइज में स्मॉल होते हैं जिन पर ये अटैक कर सकते हैं, जिन पर अटैक नहीं कर सकते
ये उन पे अटैक नहीं करते, उनको अपनी फूड के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन जो इन्वर्टिब्रेट्स इनसे क्वांटिटी में इनकी जो लेंथ होती है स्मॉल होते हैं, ताकि वो इन पे इन रिस्पॉन्स में जो है वो अपोजिट में इन पे अटैक ना करें, तो ये उन पे अटैक नहीं करते, ये उनको जो अपनी फूड के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्लास एक्नोइडी का जो लास्ट हमारे पास है वो है हार्ट अर्चन है, और उसके अलावा सैंड डॉलर्स हैं, ठीक है। उनकी ये हमारे पास शेप है, ये आर अडॉप्टेड फॉर द सॉफ्ट बॉटम ऑफ द ओशियन। ओशियन में बॉटम की डिवीजन होती है डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। उसमें एक हमारे पास ओशियन फ्लोर है, इसके अलावा प्लेजिक जोन है, और इसके अलावा सॉफ्ट बॉटम है, हार्ड बॉटम है, ठीक है। और इसमें यह है कि जो सॉफ्ट बॉटम है ये वहाँ पे जो है वो अडॉप्टेड होते हैं ओशियन के पार्ट में, डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट इन्वायरमेंट अडॉप्ट करने होते हैं। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, और इनमें जो स्पाइंस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर हमारे पास जो एस्ट्रॉयडी है उसमें। और इसमें जो है वो स्पाइंस जो है वो शॉर्ट है। इसके अलावा हमने जो ऑफ्राइडी वाली एक क्लास पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जो उसके आर्म्स हैं वो लॉन्ग होते हैं और थिन होती है उनकी बॉडी। नेक्स्ट ये आपके पास ओवरऑल जो है ये क्लास एक्रोइडी का स्ट्रक्चर है। इसमें आपने मोस्टली जो मेन पार्ट्स हैं वो आपने देख लेने हैं। इसमें ये हमारे पास माउथ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एनस है। एनस जो है वो बाहर मूवमेंट के लिए है, और माउथ जो है वो इनवर्ड जो है वो फूड को लेके जाने के लिए। नेक्स्ट इसमें क्लास आप लोग तमीज़ से बैठ के सुनेंगे, जो इस तरह की हरकतें हैं ये ना करें, ठीक है। और नेक्स्ट ये हमारे पास ये जो मसल्स का मैंने बताया, ये इस पे सेम रिंग कैनाल है, सेम जैसे हमने स्टारफिश में पढ़ी थी, ठीक है। इसमें रिंग कैनाल है जो इनसे के नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। और ये हमारे पास एरिस्टोटल लैंटर्न है, जिसमें के मसल्स और हमारे पास जॉज जो हैं वो दोनों आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास ये रेडियल कैनाल है, और ये गोनेट स्ट्रक्चर है जिसमें गोनेट्स मौजूद होंगे। ये इसोफिगस है, और ये एम्प्यूला साइड है इनकी, ठीक है। ये एम्प्यूला साइड है, और ये जो है ये जो है ये रेडियल कैनाल है, और ये ओरल इंटेस्टाइन है। और इंटेस्टाइन का बेसिकली फंक्शन ये कि डाइजेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा ये बॉडी में डिफरेंट प्लेट्स मौजूद हैं, जिसमें कि एबोरिकल सिस्टम जो है वो या इंटरबोरिकल सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो इसमें नहीं है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये गोनोफोर है या साइफन है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। या पेरी ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन है, ये जो आपको बाकी के ये जो फेरिंग्स है, ये जो आपने अभी तक पढ़ ली है उसके स्ट्रक्चर जो है वो आपको ऑलरेडी फंक्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ये यहाँ पे दिखाया गया है कि एबोरल साइड वो होती है जो कि टॉप पे हो, और बॉटम वो होती है जो कि ओरल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, ठीक है। ओरल वो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे ओरल माउथ साइड को हम कहते हैं वो डाउनवर्ड में है, ठीक है, बॉटम साइड पे, और एबोरल जो कि टॉप पे जिसे हम एनस कहते हैं। और इसके ये जो टॉप का और बॉटम का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है। इसमें ये जो एनस पार्ट है, एबोरल पार्ट है, ये रिजिड भी होता है, हार्ड भी होता है। इसके अलावा शेप्ड जो है वो इनकी फ्लैटन डिस्क होती है, और शॉर्ट स्पाइंस होते हैं, ये जो अभी हम पढ़ के आए हैं। इसके अलावा जिसका माउथ होता है उसको पेरिस्टोमियम अपर्चर भी कहते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्टेड करता है स्पाइन से, ठीक है। इस पर स्पाइन जो है वो मौजूद नहीं होते। इसके अलावा यहाँ पे 5 to 6 जो है वो स्लॉट्स मौजूद होंगी, ठीक है। ये देखें, ये इसमें 5 डायरेक्शन में है, ठीक है, और डिफरेंट में जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है। इसकी 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। इसमें ज़्यादा आपने इनर नहीं देखना है, लेकिन ये आपको एबोरल और एबोरल का स्ट्रक्चर बताया गया। नेक्स्ट ये इसकी डायग्राम है सैंड डॉलर्स की, ठीक है। उसमें ये आपको उसमें आपको इनर स्ट्रक्चर जो है वो उसका क्रॉस सेक्शन है वो दिखाया गया है, और यहाँ पे आपको ये इनर स्ट्रक्चर नहीं, जो उसका आउटर स्ट्रक्चर है, जैसे वो दिखने में हम मैरीन में उसको देखते हैं, ये सेम वैसे स्ट्रक्चर है उसका। ये देखें,
नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो हमारे पास क्लास होलोथोराइडी है, ठीक है, जिसमें सी को कम्बर्स आ जाते हैं। और नेक्स्ट के इंशाल्लाह ये जो है ये आपका नेक्स्ट थोड़ा सा रह गया है, ये आपका तब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी। और अब मैं आपको एक स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूं, ये जो आप लोगों का वाटर वस्कुलर सिस्टम है इकाइनोडर्म्स में, वो आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है। वो सब स्टूडेंट ने उसको उसमें मार्कर यूज़ करें, कलर यूज़ करें, बॉल पेन यूज़ करें, पेन यूज़ करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन उसका जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है वो आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना है अपने असाइनमेंट की, ठीक है। उसका आपका एक मार्क्स होगा। और नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, फाइलम एनिलिडा का था। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो कॉपी है वो मैंने आप लोगों की चेक करनी। ये नहीं बच्चा, ये वाटर वस्कुलर सिस्टम है, इसमें से आपको जो अच्छा लगे, एक मिनट में आपको दिखा भी देती हूँ, ये आप लोगों को नोट्स भी मैं शेयर कर दूँगी। ये वाटर वस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, मेन, इसको भी आप बना सकते हैं, चाहें तो आप इसको भी बना सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो आप इसको भी बना सकते हैं, ठीक है, सब एक ही बात है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें जस्ट लेबलिंग जो है वो उसमें थोड़े जो ऑर्गन्स है वो ज़्यादा किए गए हैं, कुछ में जो है वो कम है, मेन मेन है, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किसको बनाते हैं। बच्चे मैं ये कह रही हूँ कि ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है फाइलम इकाइनोडर्म्स में, ये आपने एक पेज पे ड्रॉ करके इसकी पीडीएफ बना के उसी पे अपना नेम और एजी लिख के पेज पे, और इसके साथ साथ जो आपने फाइल बनानी है उस पे भी आपने अपना नेम और एजी लिखना है। नेम बेशक ना लिखें, सीरियल नंबर ना, अपना जो नेम है पूरा वो आपने करना है। बच्चे अभी पता नहीं है 25 का, लेकिन अगर छुट्टी होगी तो आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, मैसेज ना भी आए तो आपकी उस दिन क्लासेस नहीं होंगी, अगर छुट्टी होंगी तो उस दिन आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी। ये आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट ट्यूसडे को सबमिट करवानी है असाइनमेंट जी, सिर्फ एक डायग्राम बनानी है। असाइनमेंट की जो टाइम लिमिट है वो आप लोगों का नेक्स्ट ट्यूसडे है, और नेक्स्ट ट्यूसडे को आपका टेस्ट भी है। असाइनमेंट की जो सॉरी टाइम है वो आप मंडे कर लें, और ट्यूसडे को आपने जो है वो अपना टेस्ट देना है जी, टेस्ट ट्यूसडे को है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, ये जब आपकी असाइनमेंट हो जाएगी उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन जस्ट रह जाएगी, और बाकी वो फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि नेक्स्ट क्या करना है जी। सिर्फ डायग्राम बनानी है बच्चे, ये जो इसकी वाटर वस्कुलर सिस्टम है इसकी डायग्राम बनानी है। बेशक ये आप पर्पल वाला बना लें, या बेशक आप ये वाला बना लें डायग्राम, या बेशक आप ये बना लें, ठीक है, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, मुझसे नहीं पूछना, और आप लोगों का जो दिल करता है आपने वो बनाना है, लेकिन वाटर वस्कुलर सिस्टम होना चाहिए। मंडे को आप लोगों ने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ये आप लोगों की एक मार्क्स की है, आपने अपना नेम एजी सीरियल जो भी है आपने वो अपने पेज पे लिखना है, और उसके नीचे डायग्राम बनानी है, अच्छे से लेबलिंग करनी है, बेशक कलर यूज़ करें या पेंसिल यूज़ करें, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ये आप लोगों की असाइनमेंट का क्लियर हो गया। टेस्ट मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था, आपका जो टेस्ट है वो गूगल फॉर्म पर ही होगा, और टेस्ट आपका ट्यूसडे को होगा, ठीक है, फाइलम एनिलिडा का। नेक्स्ट इसकी जस्ट एक क्लास रह गई है, आप लोगों की इकाइनोडर्म का कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट आपने व्हाट्सएप के ग्रुप में ही करवानी है, व्हाट्सएप के ग्रुप में शोर शराबा नहीं करना, ठीक है, मैसेजेस पे मैसेजेस नहीं करने, सिर्फ टू दी पॉइंट मैंने अभी आपको सारी बात क्लियर कर दी है। जिस बच्चे ने ज़्यादा शोर किया, लड़के ने या लड़की ने, मैंने उसको ग्रुप से निकाल देना, ना उसको सीआर ने ऐड करना, ना उसको जीआर ने ऐड करना, ये बात मैं आपको भी बता दूं जी। फर्स्ट असाइनमेंट चेक हो गई है, आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो आप लोगों का जब फाइनल होगा तो उसमें जो है वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे, तभी वहाँ पर आप लोग आपके LMS पे शो हो जाएंगे, ठीक है। क्लास के ग्रुप में शोर नहीं करना है, मैंने यहाँ पे आपको सारा बता दिया है। आपने वाटर वस्कुलर सिस्टम की डायग्राम बनानी है, इन तीनों में से कोई भी बना लीजिएगा,
ये मैं आपको जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे मैं आपको ये जो पीडीएफ फाइल है ये इसकी मैं आपको सेंड कर दूंगी स्लाइड्स की, वहाँ से आप देख लेना। या आपने गूगल से बनानी हो गूगल से भी आप बना सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने ये मंडे वाले दिन जो है वो सबमिट करवानी होगी, ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट ने क्लास के ग्रुप में तंग किया या अलग मुझे मैसेज करके तंग किया तो वो फिर अपने खैर मनाए। सब स्टूडेंट की कुछ स्टूडेंट की अच्छी भी थी और कुछ का बस गुजारा भी था, और कुछ स्टूडेंट को मैनेज भी नहीं करनी आती थी। जी कलरिंग भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और कुछ स्टूडेंट की अच्छी भी थी लेकिन अच्छी बहुत कम स्टूडेंट की थी। 4 to 5 स्टूडेंट्स है जिनकी मुझे अच्छी लगी। नहीं, बुक जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है उसमें कलरिंग नहीं करनी। जो असाइनमेंट है उसमें आप कलरिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नोटबुक में कलरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, एक वर्ड की भी नहीं करनी। आपकी जो असाइनमेंट है उसमें आप कलरिंग कर सकते हैं बच्चे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कौन सा कलर करना है। और लेकिन जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक है उसमें किसी भी बच्चे की एक भी कलर यूज़ ना हुआ, जिस उसमें आपने जस्ट लेड पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है। और पीडीएफ फाइल में सेंड करनी है, पीडीएफ फाइल आपकी पीडीएफ फाइल पे नेम होना चाहिए, ठीक है। जब आप फाइल बना रहे होते हैं वहाँ पे आप रीनेम का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप अपना नेम लिखा करें, या नेम के साथ जिन स्टूडेंट्स के एजी अलॉट हैं वो एजी के साथ किया करें, और जिन स्टूडेंट्स के एजी नहीं है सीरियल नंबर है वो उसके साथ किया करें, लेकिन अपना नेम और सीरियल नंबर दोनों लिखने हैं। मुझे अपनी जो पीडीएफ फाइल है वो ऐसे ना भेजा करें, कुछ स्टूडेंट की पीडीएफ फाइल जस्ट आप लोग वहाँ से उठा के ग्रुप में सेंड कर देते हैं, उसको जस्ट रीनेम कर लिया करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एमन, जितना आप ज़्यादा ट्राई करेंगे उतनी आप अच्छे से तैयारी करेंगे। आप लोगों की बाकी और भी प्रैक्टिकल नोटबुक्स होंगी, लेकिन जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों का थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल होता है उसमें आपने प्रैक्टिकल नोटबुक लाजमी बनानी होती है। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का ये जो अभी आप एनिमल डाइवर्सिटी 1 मेरे पास पढ़ रहे हैं ये आप लोगों का 4 क्रेडिट आवर का कोर्स है। 4 क्रेडिट आवर में से आपके जो 3 क्रेडिट हैं वो थ्योरी के हैं और जो 1 क्रेडिट है वो आपका प्रैक्टिकल का है। अगर आपके किसी भी कोर्स कोड में आपके प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है तो आप उसकी प्रैक्टिकल कॉपीज नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल इंग्लिश की है या पाक स्टडी है या इस्लामियत है मैथमेटिक्स है तो उसकी आप प्रैक्टिकल नोटबुक्स नहीं बनाते होंगे, लेकिन जिनका प्रैक्टिकल वर्क होता है जोलॉजी बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री की बुक्स हैं तो उनकी आप लोगों को प्रैक्टिकल लाजमी बनाने होते हैं। प्रैक्टिकल कॉपी पे लेड पेंसिल से ही करनी है जमशेर, मैंने नहीं कहा कि कलरिंग यूज़ करनी है। कलरिंग सिर्फ आप असाइनमेंट पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुझे जो पसंद है वो कलरिंग के बिना जो लेड पेंसिल वाली मुझे वो पसंद है, ठीक है। आप लेड पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा लेड पेंसिल के अलावा आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बच्चे जिन स्टूडेंट का लॉगिन का इशू हो रहा है, एक तो वो सीआर आप इन स्टूडेंट का देख लें, और बाकी जो आपके डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उनसे कांटेक्ट करें। मलाइका उनसे आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपका ये जो इशू है ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा। बाज़ दफ़ा ये होता है ये जो LMS होते हैं ये लॉगिन इसलिए भी नहीं हो रहे होते या लॉग आउट हो जाते हैं, आपका जो कनेक्शन होता है वो वीक होता है, ठीक है। LMS पे वैसे लॉगिन थोड़ा मुश्किल हुआ जाता है और इसमें काफ़ी जो है वो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई है। नेक्स्ट अब मुझे जो आप लोगों की कॉपी है ये जिन स्टूडेंट के मैं नेम ले रही हूँ उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो व्हाट्सएप कर रही हैं, ठीक है। और मुझे कोई इशू नहीं चाहिए इस बारे में।
आपने इसमें से मरियम जमान आपने मुझे प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो चेक करवानी है, ठीक है। आपने जितनी भी राइटअप की है उसको जो है वो उसकी पिक्स लेके उसकी पीडीएफ फाइल जो है वो मुझे व्हाट्सएप करनी है। और नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है बिस्मिल्ला तारिक, आपने चेक करवानी है। और थर्ड पे हमारे पास मोहम्मद तैयब खलील। ये जिन स्टूडेंट्स के मैं नाम कॉल कर रही हूँ ये इन स्टूडेंट्स ने मुझे चेक करवानी है। अक्सा रहमान और फैजिया लुकमान, अक्सा रहमान, फैजिया लुकमान, इसके अलावा तैयब और बिस्मिल्ला तारिक और मरियम जमान। ये स्टूडेंट्स, आप सब स्टूडेंट्स हैं जिन जिन के मैंने नेम लिए हैं, आप सब स्टूडेंट्स ने मुझे जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वो पीडीएफ में सेंड करनी है। जिन स्टूडेंट को मेल नहीं आई उनको आ जाएगी। मैंने पीडीएफ का कहा है, आपने जो असाइनमेंट है वो भी पीडीएफ में सेंड करनी है। और इसके अलावा ये जिन स्टूडेंट्स के मैंने नेम लिए हैं उन्होंने भी मुझे पीडीएफ में सेंड करनी है। जितनी भी बनाई है तैयब आपने उतनी मुझे सेंड करनी है आज की डेट में। बचे अभी एक घंटे तक आपके पास टाइम है, आप उनके पिक्स बनाएं और पिक्स बना के मुझे सेंड करें। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट की अभी मैंने चेक नहीं की वो उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। हमजा सनी, आपकी कंप्लीट हो गई है? बाकी स्टूडेंट की कॉपी वो मैं देख लूंगी। जिन स्टूडेंट की रह गई है उनकी नेक्स्ट टाइम चेक करूंगी। और बाकी स्टूडेंट्स, आप सब स्टूडेंट्स ने ये जो नेक्स्ट आप लोगों को जो मैंने फाइलम का बताया था कि फाइलम जो मैंने आपको सारे पढ़ाए थे प्रैक्टिकल क्लास में, ठीक है, वो सब आप लोगों ने एक फाइलम की जो है वो तीन डायग्राम्स बनानी है। वो मैं उसका आपको व्हाट्सएप में वो भी बता भी देती हूँ कि आपने क्लासिफिकेशन कैसे लिखनी है और एक पेज पे आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है। और बाकी वो सब स्टूडेंट्स उसको साथ साथ अपनी कॉपी को जो है वो राइटअप करते जाएं। तो बाकी स्टूडेंट्स जब आपकी नेक्स्ट कॉपी जब चेक करूंगी इन स्टूडेंट के अलावा तो वो आप लोगों की कॉपी के साथ इंक्लूड होना चाहिए। और ये जो जिन स्टूडेंट्स के मैंने नेम लिए हैं इन स्टूडेंट ने अपनी पीडीएफ फाइल बना के मुझे व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। जो क्लास का ग्रुप है उसी में ही करनी है, अलग से नहीं करनी, क्लास के ग्रुप में ही करनी है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे नहीं करनी जिनका मैंने नेम नहीं लिया, ठीक है। और जिनका मैंने नेम नहीं लिया वो बाकी की फाइलम की डायग्राम्स बनाना स्टार्ट करें। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप गूगल से भी बना सकते हैं, इसके अलावा पीडीएफ फाइल से भी बना सकते हैं और जो पीपीटीज हैं उनसे भी बना सकते हैं। बच्चे डायग्राम्स का मैंने आपको बता दिया है कि एक पेज पे आपने डायग्राम बनानी है, फॉर एग्जांपल पोरीफिरा की है, एक पेज पे डायग्राम बनानी है और दूसरे पेज पे लाइन वाले पे आपने उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो कैसे लिखनी है वो मैं आपको एक मैसेज कर दूंगी व्हाट्सएप पे, उस तरह से आपने वो लिखनी होगी। वो एक एग्जाम्पल होगी किसी भी जिस भी स्पीशी की एग्जाम्पल होगी वो नीचे उसका नाम मेंशन होगा, लेकिन वो आप लोगों के लिए एक पैटर्न है, ठीक है। क्लियर हो गया सब स्टूडेंट्स को? और बाकी सब स्टूडेंट आप लोगों ने अपनी जो अटेंडेंस है क्लास का ग्रुप है वहाँ पे भी मार्क करनी है।
और इसके साथ साथ आपने यहाँ पे सब स्टूडेंट्स ने मार्क कर दिया है जी। फाइलम की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, आज की क्लास है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। और ओके चलें ठीक है, बाकी जिन स्टूडेंट जी असाइनमेंट सब स्टूडेंट्स ने ग्रुप में ही करनी है, सब स्टूडेंट ने असाइनमेंट ग्रुप में ही करनी है। ये जो आप लोगों को एक पेज की दी गई है, इसके अलावा जिन स्टूडेंट को मैंने अभी प्रैक्टिकल नोटबुक चेक करवाने का कहा है, उन्होंने भी अपनी जो प्रैक्टिकल नोटबुक की पीडीएफ फाइल है वो ग्रुप में ही सेंड करनी है, ठीक है। और ये बार बार मुझे मैसेज करके ना पूछा करें, ये जिन स्टूडेंट का इशू होता है लीव का, कि अगर आप लोगों का कोई सीरियस मसला है तो आप जीआर से पहले कांटेक्ट किया करें, जीआर को बता दिया करें, जीआर जो है वो मुझे सब स्टूडेंट्स का बता दिया करेगी, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं वो सीआर को बता दिया करें। ओके स्टूडेंट्स क्लियर है सब? ओके बच्चे चलें इंजॉय करें, और बाकी साथ साथ है विंटर्स वो भी इंजॉय करें, जो वर्क है वो भी परफॉर्म करें। और नेक्स्ट आपका ये जो फाइलम इकाइनोडर्म है ये इसकी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसको साथ साथ ये जो आप भी ये जो वीडियो जो है देख रहे हैं इसको साथ साथ लाइक भी कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो भी कर दें सब्सक्राइब, ठीक है। और ये जो लिंक्स हैं ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, और जो आपका टेस्ट है उसके लिंक्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।